हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज आवर एसएसटी क्लास फॉर क्लास सिक्स एंड थर्ड चैप्टर अर्ली ह्यूमन सेकंड. और इस चैप्टर में हम अर्ली ह्यूमन की एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं बाय द टाइम ऑफ नियोलिथिक स्टोन एज. यानी कि टू थ्री स्टोन एज जो था वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है. पैलायोलिथिक स्टोन एज, मेसोलिथिक स्टोन एज एंड नियोलिथिक स्टोन एज. अर्ली ह्यूमन की दोज एक्टिविटीज विच हैड डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नियोलिथिक एज, वी हैव डिस्कस्ड दोज एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर. ओके, और नियोलिथिक जो पीरियड था उस बाय दिस टाइम, इस टाइम तक आते आते अर्ली ह्यूमन बिकेम द फार्मर. वो गैदरर और हंटर से फार्मर बन चुका था एंड नाउ ही स्टार्टेड टू सेटल ओवर वन प्लेस. और उसने एक ही प्लेस पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ व्हेन ही बिकेम द फार्मर. नाउ ही हैड टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, देन ही हैड टू सेटल्ड. तो उसको सेटल होना पड़ा एट वन प्लेस. अब उसने क्या क्या शुरू कर दिया था, उसने जो प्लास्टर्ड पिट हाउसेस है उसमें रहना शुरू कर दिया था. पिट हाउसेस यानी कि ग्राउंड में वो डग पिट को डग करते थे, गड्ढे खोदते थे और उसकी वॉल्स को मड से प्लास्टर्ड करते थे. इस तरीके से अब वो केव से बाहर निकल करके यानी कि पैलायोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स. वो उसका जो रॉक शेल्टर से इस पीरियड तक आते आते वो प्लास्टर्ड पिट हाउस में रहने लगा था. हमने चैप्टर मोस्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउ टेक आउट द पेज नंबर 28. और जो हमारा इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स का मतलब होता है कि स्थान की जो जगह है कि नियोलिथिक पीरियड की कुछ ऐसी जगह जो इम्पॉर्टेंट रही है, फ्रॉम वेयर वी फाउंड लॉट्स ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू अर्ली ह्यूमन लाइक द एविडेंस ऑफ क्रॉप्स, बॉन्स, रिमेंस ऑफ बॉन्स, रिमेंस ऑफ हाउसेस. वो ऐसे साइट्स जहाँ से हमें अर्ली ह्यूमन के काफ़ी एविडेंस या प्रूफ मिलते हैं. तो इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स पेज नंबर 28 और मेहरगढ़. इम्पॉर्टेंट साइट में हम दो साइट्स पढ़ेंगे यानी कि दो जगहों के नाम पढ़ेंगे. पहला है मेहरगढ़ और जो दूसरा है वो है दाऊजली हेडिंग. दाऊजली हेडिंग, दीज वर टू डिफरेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड. ये नियोलिथिक पीरियड की दो डिफरेंट साइट्स हैं. मेहरगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे. मेहरगढ़ इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान. और आज की डेट में मेहरगढ़ जो साइट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में. लेट्स वी रीड. दिस नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास इन वेस्टर्न पाकिस्तान. बोलान पास एक जगह का नाम है. वहाँ पर पाकिस्तान में वेस्टर्न पाकिस्तान में बोलान पास एक जगह है. वहाँ पर मेहरगढ़ लोकेटेड है, एक फर्टाइल प्लेन है. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट. कि मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है और ये एक प्लेस है वेयर अर्ली मैन एंड वुमेन, जो आदि मानव में मैन और वुमेन हैव लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट. और हमने ये भी पढ़ा था जो प्राइमेटिव क्रॉप रही है, जो सबसे पहली जो क्रॉप्स रही हैं विच अर्ली ह्यूमन हैड टू लर्न, जिसको उसने सीखा था उगाना, वो बार्ले एंड वीट ही रही है. तो मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, जहाँ पर जो और गेहूँ उगाना उन्होंने सीखा था, उनमें से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है. एंड रियर शीप गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार शीप और गोट्स यानी कि भेड़ और बकरियों को पालना भी यहीं पर सीखा था. तो मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट. ये नियोलिथिक साइट है विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पाकिस्तान. एंड दिस प्लेस इज वेयर मैन एंड वुमेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड टू रियर शीप एंड गोट्स, यानी कि भेड़ों को बकरियों को पालना सीखा और एग्रीकल्चर भी उसने इस साइट में सीखा था. तो इसके एविडेंस हमें यहाँ से मिले, दैट्स वाई हम ये बात डेफिनेटली कह सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट द अर्लीस्ट विलेज. वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ विलेज ऑफ मेहरगढ़ इज़ द मोस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर एंगेज इन फूड प्रोडक्शन. तो ये क्या है, एक मोस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज रहा है, यानी कि ये
प्राचीन गांव भी रहा है अर्ली ह्यूमन का, न्यूलोथिक पीरियड का जो अर्ली ह्यूमन है वो इस टाइम पर मेहरगढ़ पर क्या था, सेटल था। तो यहाँ से एविडेंस भी मिले हम लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों की जो खुदाई की है इस साइट से, तो वी फाउंड द रिमेन्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स, तो हमें जो एनिमल्स के बोन्स हैं यानी कि हड्डियों के अवशेष भी इस जगह पर मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट, कि जिन्होंने इस साइट को यानी कि इस जगह को एक्सकेवेट किया है, खुदाई की है, फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स, तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स के एविडेंस मिले हैं। एविडेंस लाइक किसकी बोन्स के एविडेंस मिले हैं, लाइक डियर, पिग, दे ऑल्सो फाउंड बोन्स ऑफ शिप, गोट, कैटल्स, तो ये सजेस्ट करता है दैट दीज वर एनिमल्स जनरली कैप्ट बाय देम, कि दिस एविडेंस सजेस्टेड दैट दीज टाइप ऑफ एनिमल्स शीप, डियर, कैटल्स, गोट, पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड बाय द अर्ली मैन। अदर फाइंडिंग एट द मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस, कि अपार्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स के रिमेन्स के अलावा, एंड रिमेन्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स के रिमेन्स के अलावा, वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ रेक्टेंगल हाउस, कि हमें रेक्टेंगल हाउस के रिमेन्स भी मेहरगढ़ साइट से मिले हैं। तो अदर फाइंडिंग एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस, रेक्टेंगल हाउस और या स्क्वायर हाउस के रिमेन्स भी हमें मेहरगढ़ साइट से मिलते हैं। एंड द सेवरल बरिल साइट्स, बहुत सारे कब्रिस्तान, कब्र भी मिलती हैं। बरिल साइट्स का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर डेड बॉडी को बरिड किया जाता था। सेवरल बरिल साइट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से बहुत सारी बरिल साइट्स भी मिली हैं। इन वन इंस्टेंस अ डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट्स, एक एग्जाम्पल ये है कि एक बरिड साइट से एक डेड पर्सन बरिड किया गया था विद गोट विच वर प्रॉबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अब देखिए, तो मेहरगढ़ जो साइट है, न्यूलोथिक साइट, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। एंड वी फाइंड लॉट्स ऑफ रिमेन्स विच वॉज रिलेटेड टू अर्ली ह्यूमन एट दिस साइट, इस साइट से हमें जो रिमेन्स मिले हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट को ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन जो रिमेन्स मिले हैं वो मिले हैं, क्रॉप्स के रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं, रिमेन्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हाउसेस के रिमेन्स मिले हैं, एंड वी हैव फाउंड मैनी बरिल साइट्स, और बहुत सारी बरिल साइट्स भी हम लोगों को मेहरगढ़ से मिली हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग जो है वो इंडिया में है ये साइट, और आसाम स्टेट में है। तो दाउजली हेडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूलोथिक साइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूलोथिक साइट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ आसाम, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तान में है और ये इंडिया में है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन आसाम हिल्स, ये आसाम की पहाड़ियों में लोकेटेड है। स्टोन टूल लाइक एक्सेस ऑफ, यहाँ पर कौन कौन से एक्सकेवेशन या एविडेंस मिले, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों जो साइट्स हैं वो न्यूलिथिक पीरियड की। एक्चुअल में जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उनको न्यूलिथिक पीरियड के कुछ आर्टिकल्स के रिमेन्स मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स मिले हैं, यानी कि अवशेष मिले हैं, कोई ना कोई यहाँ पर निशानियाँ अर्ली ह्यूमन की इनको यहाँ पर मिली हैं। तो दाउजली हेडिंग इज लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ आसाम, ऑन द हिल्स ऑफ आसाम। स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, चिसल, चिसल्स का मतलब क्या होता है बेटा, चिसल, चिसल्स का मतलब होता है छेनी, जो लोहे की बनी होती है छेनी, जिसको हम एनग्रेव यानी कि खुदाई के काम के लिए यूज किया जाता है हैमर से, हथौड़े से मार के। तो स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस यानी कि पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ, चेसल, छेनिया, होज, पेस्टल में मतलब जो पीसते हैं कोई चीज़, पेस्ट वगैरह बनाते हैं, एंड मोर्टर का जिसको हम लोग कहते हैं कि ओखली बनी हुई है पत्थर की, हैव बीन फाउंड हियर। तो इस साइट से जो रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स ऑफ स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, चेसल, पेस्टल, मोर्टर हैव बीन फाउंड हियर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। दीज टूल्स गिव एविडेंस ऑफ फार्मिंग, कलर्ड पॉटरी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड हियर, और यहाँ इन टूल्स से हमें क्या पता चलता है कि फार्मिंग वहाँ पर होती थी, एंड कलर टूल्स, कलर पॉटरी यानी कि कलर किए हुए बर्तन भी, मिट्टी के बर्तन है वो कलर किए, वो भी यहाँ पर मिले हैं। एंड द अब हम बात करते हैं द
चैकोलिथिक एज अब द चालकोलिथिक सॉरी द चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज क्या है? द चालकोलिथिक एज स्टार्टेड मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. जब इंसान ने सबसे पहला जो मेटल जो यूज़ किया था वो कॉपर यूज़ किया था. बिफोर द मेटल की कोई भी धातु यूज़ करने के पहले जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, उसके पहले वो स्टोन टूल्स ही यूज़ करता था. तो चालकोलिथिक एज स्टार्टेड व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. द वर्ड चालको में कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, द जो ग्रीक वर्ड है उससे बना है, उसका मीन है खेलकोस. चलो हम स्टार्ट करते हैं चालकोलिथिक पीरियड. चालकोलिथिक पीरियड कब है? व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. लिथिक चालकोलिथिक पीरियड किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक इज स्टार्टेड व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. जब मैन ने कॉपर का यूज करना स्टार्ट किया था तब चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ था. द वर्ड चालको जो मीन है चालको वो किससे बना है? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड है खेलकोस से. इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स कॉपर. तो चालको जो वर्ड आया है वो खेलकोस ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कॉपर इंग्लिश में. एंड लिथ्स मीन्स होता है स्टोन. लिथ्स मीन्स क्या है बेटा? लिथ्स स्टोन. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लिथ मीन्स स्टोन होता है. खेलकोस का मीन्स होता है कॉपर. ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि चालकोलिथिक पीरियड तक ह्यूमन यूज स्टोन अलोंग विथ कॉपर. कि इस पीरियड तक जो ह्यूमन है अर्ली ह्यूमन है वो कॉपर के साथ साथ में स्टोन का भी यूज़ करता था. तो यूज स्टोन अलोंग विथ कॉपर इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉपर स्टोन एज. और इसको हम चालकोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज भी कह सकते हैं क्योंकि इस पीरियड तक वो टूल्स जो बनाता था वो स्टोन और कॉपर दोनों के ही बनाता था. टूल्स एंड वेपन्स वर मेड फ्रॉम स्टोन एंड कॉपर विच वर द स्टर्डायर. स्टर्डायर का मतलब वो ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे. एंड अर्ली ह्यूमन ऑल्सो इन्वेंटेड द प्लो. जो आदि मानव था उसने धीरे धीरे प्लो यानी कि हल का भी आविष्कार कर लिया था. एंड द व्हील्ड कार्ट एंड द सेल बोट. और उसने व्हील कार्ट यानी कि पहिए पर चलने वाली गाड़ी का भी इन्वेंशन कर लिया. एंड बोट यानी कि तैरने वाली नाव का भी उसने इन्वेंशन कर लिया था. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड हाउ टू मिक्स मेटल टू गेट स्ट्रोंगर टूल्स. और उसने मेटलर्जिकल साइंस यानी कि मेटल्स को मिक्स करना सीख लिया था अदर मेटल से टू मेक स्ट्रांग टूल्स वेसल एंड वीपन्स ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बर्तन टूल्स और हथियार बना सकें. अब क्विक रिविजन टू है. क्विक रिविजन टू में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो द चालकोलिथिक एज को हम क्या कह सकते हैं और कॉपर स्टोन एज कह सकते हैं. बिकॉज इन दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन यूज स्टोन एंड कॉपर बोथ इन मेकिंग टूल्स. क्विक रिविजन टू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालकोलिथिक एज स्टार्टेड व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? कॉपर. व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर. जब इंसान ने कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था देन चालकोलिथिक पीरियड उसको चालकोलिथिक पीरियड एज जो है स्टार्ट हुआ था. दाऊजी हादिंग इज सिचुएटेड नियर द लैंसडॉन इन द उत्तराखंड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स. नो, इट इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ आसाम. नंबर 3, अर्ली मैन वर्शिप नेचर. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. यस, अर्ली मैन वर्शिप करता था नेचर का, पूजा करता था. वेयर इज द दाऊजी हैदिंग लोकेटेड? दाऊजी हैदिंग लोकेटेड दाऊजली हैदिंग लोकेटेड इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ आसाम. तो आसाम की पहाड़ियों पर ये न्यूलोथिक साइट लोकेटेड है.
नेम टू इंपॉर्टेंट न्यूलोथिक साइट, अभी हमने दो इंपॉर्टेंट न्यूलोथिक साइट्स पढ़ी थी, मेहरगढ़ एंड दाउजली हैडन हदिंग। सिक्स, वॉट वर बोथ मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व इन पॉट मेकिंग, हंटिंग, बिल्डिंग हाउस। पॉट्स मेकिंग में मैन और वुमेन इंक्लूड थे, हंटिंग में थे, बिल्डिंग हाउसेस में थे, तो वो हम लिखेंगे पॉट मेकिंग में। मेकिंग पॉट्स। नंबर सेवन, द वर्क, द वर्ड खलकोस मीन्स, खलकोस का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड खलकोस मीन्स कॉपर। अंडरस्टूड? अलोंग विद दिस क्विक रिविजन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर थ्री ऑल्सो। हमने चैप्टर थ्री भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट और टू का पीडीएफ और उसके क्विक रिविजन आप लोगों ने नोटबुक में कर लिए हैं। प्लीज़ आपकी नोटबुक को चेक करवाने भेजिएगा। टिल देन बाय बाय। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बाय। स्टे होम एंड स्टे सेफ।